स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। अब ऐसे में आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रह सकती है और हमें किस तरह से इसका मुकाबला करना होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि देश में कई जगहों पर कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हो गई है, तो क्या अब इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो लहर है कब तक खत्म हो जाएगी? निश्चित रूप से हमने देखा है कि ट्रेंड जो है दिल्ली में और पूरे देश में अब मामले धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी पहले से कम हो गई है। दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट 6 और 7 के बीच में आ गई है और हमने देखा कि जो पर डे नए केसेज हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि काफ़ी जो ट्रेंड हमने देखा है साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कि ये जो नया वेरिएंट है, खास करके जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो थर्ड वेव के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 2 हफ्ते में ये और नीचे ये केसेस आएंगे। सो 2 to 3 weeks आर मोर इम्पोर्टेंट, मोर क्रूशियल एंड वी होप दैट द न्यू केसेस निश्चित रूप से कम होंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब ये कहा जा सकता है कि ये बीमारी एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएगी? अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी और प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी जो केसेस हैं अभी तो क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो जो डिजीज सीवियरिटी है डेल्टा के मुकाबले में काफ़ी हल्का है। जो एडमिशन का दर है हॉस्पिटल में, आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो भी काफ़ी हद तक कम है सेकेंड वेव के मुकाबले में। पर ये कहना कि ये कितना जल्दी एंडेमिक होगा ये अभी थोड़ा अभी हमें और ज़्यादा इसको समझने की और वॉच करने की आवश्यकता है क्योंकि हमने देखा है कि जो भी ये वायरल डिजीजेज होते हैं इसमें जो म्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, हर बार नया म्यूटेशन आ जाता है। तो म्यूटेशन जो नेक्स्ट म्यूटेशन है वो खतरनाक भी कई बार साबित हो सकता है और हल्का भी हो सकता है, उसका जो विरुलेंस है यानी कि जो बीमारी करने की जो क्षमता है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि कम होती है पर ये जो म्यूटेशन है इतने ज़्यादा होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि इसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। जी डॉक्टर साहब, इस लहर में ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण होते हैं वो हल्के हैं, लेकिन जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं, चूंकि आप तो खुद भी इलाज भी कर रहे हैं, कि गंभीर मरीज भी देखे गए हैं और लोगों की मौत भी हुई है, ऐसे कौन से लोग होते हैं ज्यादा जिनमें ये संक्रमण गंभीर रूप ले रहा है और मतलब डेथ तक भी जा रहा है? लोकनायक हॉस्पिटल क्योंकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है और यहाँ पर 21,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होके गए हैं और हमने देखा कि फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव और अभी जो करंट वेव है थर्ड वेव में, तीनों में जो अंतर देखने को मिला कि फर्स्ट और सेकंड वेव में जहां हमें जो बीमारी के बारे में जानकारी सीमित थी, इलाज भी कम था, दवाइयां भी नहीं थी और वैक्सीन भी नहीं था, फर्स्ट वेव में तो बिल्कुल नहीं था, और सेकंड वेव के बाद हमारा जो कोरोना वायरस के प्रति जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, जो जानकारी हासिल हुई और जो वैक्सीनेशन, क्योंकि जो भारत है विश्व गुरु है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जो सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया ने सक्सेसफुली करके और दुनिया के सामने दिखाया और ये एक बहुत बड़ा इतिहास हिस्टोरिक जो फिगर अचीव हुई है कि 75% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल गया है, ये बहुत बड़ा संख्या है। और उसके बाद जो डिजीज़ का सीवियरिटी है वो इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली हुई थी, तो वैक्सीन की वजह से जो डिजीज सीवियरिटी है वो कम हुई, हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता कम हुई और आईसीयू की रिक्वायरमेंट कम हुई, और थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन की वजह से जो चेंज प्रोफाइल था डिजीज का, जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हुआ, वो इसी का मेजर कारण था कि हमें वैक्सीन मिल पाई और वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी में जो सुधार हुआ
वही लोग एडमिट हुए हॉस्पिटल में जिनको लंबी बीमारी थी, जैसे कि सीओपीडी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको कि मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर थे, उन लोगों को ही भर्ती होने का आवश्यकता हुआ ओमिक्रॉन वायरस की वजह से। बाकी जो लोग स्वस्थ थे या जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन कर लिया, उनको आवश्यकता नहीं हुई हॉस्पिटल में भर्ती करने की और वो घर पर ही ठीक हो गए। डिजीज बहुत हल्का था, माइल्ड डिजीज था, जैसे कि बॉडी एक है, हल्का बुखार, और वो 2 से 3 दिन में ठीक हो रहा था। तो ये मेजर डिफरेंस था डेल्टा में और ओमिक्रॉन में। जी तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोग जिनको की खतरा ज्यादा है, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिनको जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे मैंने बताया कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो जो शुगर के व्यक्ति हैं उनको अपना शुगर रोज चेक करना चाहिए। यदि इंसुलिन की आवश्यकता है तो इंसुलिन टाइम से लेना चाहिए, और जो शुगर की मेडिसिन है वो नियमित रूप से लें, व्यायाम करें। इसी तरह जो लोग हार्ट की बीमारी से, जिनको बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इलनेस है, किसी को बाईपास सर्जरी हुआ है, उन लोगों को अपना जो दवाई है वो नियमित रूप से लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भोजन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि हमने देखा है कि आजकल लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जो बाहर का खाना है जिसमें कि फाइबर कम होता है, फैट ज़्यादा होती हैं और अनहेल्दी होता है, तो वो एक मोटापा का कारण होता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और अन्य बीमारियां बढ़ती हैं। तो शुद्ध खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, और जो हाई फैट, सैचुरेटेड फैट वाला भोजन है उसको अवॉइड करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो लोग लीवर की बीमारियों से लंबे टाइम से, जिनको लीवर की बीमारी है, तो उनको हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का यूज करते हैं, तो ये जो नशे की जो वस्तुएं हैं उनका उनसे दूर रहें, अल्कोहल का जो प्रयोग है वो ना करें, क्योंकि अभी जो अर्बन लिविंग है उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अल्कोहल डिपेंडेंसी काफ़ी हो गई है, लोगों को निकोटीन की या स्मोकिंग का जो है आदत बन गया है, तो वो एक मल्टीपल फैक्टर है। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, अल्कोहल का जो सेवन है वो ना करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हमारे देश में 75% से ज्यादा आबादी अब पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है, ये हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है अगर भविष्य में और कोई लहर आती है या आने की संभावना है? देखिए, यदि हम भारतवर्ष के वैक्सीन के डेटा देखें तो वो किसी भी संपन्न देश से, डेवलप्ड कंट्री से पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, बहुत रोबस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और ये वैक्सीन की बदौलत ही हम तीसरी जो गंभीर वेव है उससे बच पाए। 75%, यानी कितना बड़ा देश, 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, और उसमें से 35, आप देखिए कि 75% लोगों को वैक्सीन मिल गया, तो ये एक बहुत बड़ा जो कम्युनिटी का जो प्रोटेक्शन का दर है वो बहुत हाई लेवल का हो गया है। और बाकी के लोग, क्योंकि जो बच्चे हैं उसमें अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है 15 से 18 वर्ष में, और उससे नीचे भी शीघ्र ही बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कोरोना के खतरे से, चाहे कोई भी म्यूटेशन हो, कितना भी जो खराब म्यूटेशन, जैसे हमने आप डिस्कस कर रहे थे कि जो भी नया वेरिएंट आता है उससे भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो गंभीर बीमारी से बचाती है और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी 75% आबादी अब प्रोटेक्टेड हो गई है जी। तो ये एक सुरक्षा कवच जो है वो बन गया है 75% आबादी में, तो ये एक बहुत बड़ा कदम कोरोना के जो विरुद्ध अभियान है उसका एक निर्णायक भूमिका इसकी रही है वैक्सीनेशन की। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हम लोग कह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अब कोई और लहर आती भी है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी? निश्चित रूप से अब कोई भी वेव या कोई भी म्यूटेशन, कोई भी वेरिएंट कोरोना का इतना खतरनाक साबित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये जो थर्ड वेव है इसमें जो डिजीज का जो सीवियरिटी है वो कम हुआ है और खतरा बहुत कम रहा है। और जो हाल सेकेंड वेव में था कि लोगों का ऑक्सीजन कम हो रहा था और ज़्यादातर लोगों को
बहुत तेजी से बुखार था या बहुत तेज वायरल न्यूमोनिया था या उनको रेस्पिरेटरी फेलियर था, और उनको हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को भर्ती होने की आवश्यकता हुई थी, क्योंकि उस टाइम एक भी डोज लोगों को नहीं लगी थी। अभी क्योंकि दोनों डोज लग गया और ज्यादा से ज्यादा अब हमारी जो आबादी है वो प्रोटेक्टेड हो गई है, तो आने वाली कोई भी वेव इतना गंभीर नहीं रहेगी, बहुत हल्की रहेगी। और जैसे आमतौर पर जो हमने देखा कि गले में इन्फेक्शन है, नाक से जैसे पानी आता है, जुकाम आता है, हल्का बुखार है, उसकी तरह एक दो दिन में ही वो ठीक हो जाएगा। यानी कि वो एक लॉन्ग प्रक्रिया है, संक्रमण का जो सीवियरिटी है वो हो सकता है पॉजिटिविटी रहे पर वो बड़े पैमाने पे लक्षण उत्पन्न ना करें, ये ऐसा अनुमान है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक नए वेरिएंट नियो कोव को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, इसके बारे में हमें बताएं, और क्या ये खतरनाक भी साबित हो सकता है? देखिए, कुछ मामले अभी विदेशों में देखने को मिले हैं, भारतवर्ष में इसका कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। और क्योंकि इसमें ये होता है कि डिजीज सीवियर होता है और जो फेफड़े में है उस पर भी इन्फेक्शन का जो इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का वो भी हो सकता है, और निश्चित रूप से एक ये वेरिएंट है वो खतरनाक वेरिएंट है, उसमें डिजीज सीवियरिटी ज़्यादा होती है ओमिक्रॉन के मुकाबले में। पर क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ज़्यादा केसेस दुनिया में देखने को नहीं मिले, और भारतवर्ष में अभी तक इसका एक भी केस सामने नहीं आया है, तो इसको लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें खाली जागरूक रहने की और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को वैक्सीनेट कराने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है, और जो लोग हमारे लोकनायक में भी जैसे एडमिट हुए हैं और जी जिनको कैजुअलिटी हुआ है, वही लोग को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है जिन्होंने वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं। जिन्होंने वैक्सीन दोनों ले लिए वो ज्यादातर लोग प्रोटेक्टेड ही रहे इस वेव में। जी डॉक्टर साहब, अब प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जा रही है, और नेजल वैक्सीन जो है उसको भी अब बूस्टर डोज के रूप में थर्ड फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो अगर हम जहां तक प्रिकॉशनरी डोज की या बूस्टर डोज की बात करें, तो ये जो नेजल वैक्सीन है इससे कितना फायदा मिलेगा डॉक्टर साहब जब ये आ जाएगी तो? जब ये नेजल वैक्सीन अवेलेबल होगी मार्केट में तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा, रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू रिसर्च इसमें चल रही है। काफ़ी कंट्रीज में ऑलरेडी नेजल वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। उसका एक फायदा तो ये होता है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे काफ़ी लोग डरते हैं, और डर की वजह से कुछ लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते कि मैं सुई नहीं लगवाना चाहता। तो जो इंटरनेजल जो वैक्सीन है ये इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सरल है, कोई दर्द नहीं होता है, और सेफ्टी और एफिकेसी पे जो ट्रायल को भी मंजूरी मिली है उसके बाद उसके जो सकारात्मक रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके बाद ये मार्केट में उपलब्ध होगी। तो ये एक अच्छा क्रांतिकारी यानी कि रिवोल्यूशनरी स्टेप होता है कि यदि आपको दर्द ना हो और वैक्सीन भी मिल जाए और प्रोटेक्शन भी मिल जाए तो ये एक सोने में सुहागा जैसी बात होती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेघा से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मास्क लगाने को लेकर के हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद लोग, कुछ समय तो लोगों ने बहुत अच्छे से उसको किया, लेकिन अब लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। अभी इस स्थिति में मास्क लगाना कितना जरूरी है, और क्या जिस तरह से हम लोग मास्क लगाते आ रहे थे वही तरीका अभी आगे भी कंटिन्यू करना होगा, या फिर उसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि मास्क उतना ही आवश्यक है जितना वैक्सीन है। यदि हम मास्क लगाते हैं तो मास्क की वजह से हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को, कम्युनिटी को बचा सकते हैं। हमने देखा कि यदि आपने वैक्सीन भी ले लिया है तो भी मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क का जो गाइडलाइंस है बहुत क्लियर है, आपको मास्क लगा के रखना है जब भी आप घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें। यदि किसी के पास छोटा घर है और ज्यादा परिवार के सदस्य हैं तो घर में भी मास्क लगाना आवश्यक होता है। मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है वही है जो पहले से है, और जो N95 मास्क है वो बेटर प्रोटेक्ट करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को, और जो कपड़े के मास्क है वो भी प्रोटेक्शन उसका भी है पर उसका कम है N95 के तुलना में। तो मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है, और यही एक सोशल वैक्सीन है जो कि आप यदि लापरवाह रहेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण के मामले बढ़ेंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, कोविड के अनुरूप जो आचरण है, उसको हमें लंबे टाइम तक बना के रखना है, क्योंकि अभी तो ओमिक्रॉन थर्ड वेव ऑनगोइंग है, अभी ओमिक्रॉन गया नहीं है, या दूसरा जो कोरोना वायरस है वो भी अभी तक इस देश से गया नहीं है। तो इसलिए जब तक कोरोना का संक्रमण नहीं चला जाता तब तक आपको मास्क लगाना अति आवश्यक है। जी, और सब मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बात है कि कोरोना का संक्रमण अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और ये बात सभी लोगों को समझने की जरूरत है। और सब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। कोरोना को हराना है के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।